हेलो एवरीवन, मैं आरिफ मोमिन आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ एक मैथ्स का बहुत ही रोचक, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेके, जिसका नाम है नंबर पैटर्न ऑन स्नेक एंड लैडर गेम एंड कैलेंडर। हम इस गेम को अच्छी तरीके से पहचानते हैं, सभी इस गेम के बारे में जानते हैं। इस गेम में एक सांप रहता है, कुछ सीढ़ियाँ रहती हैं, सांप सीढ़ी का गेम कहा जाता है। इंग्लिश में इसे स्नेक एंड लैडर गेम कहा जाता है। और ये भी पता है कि इस गेम में 1 से लेके 100 तक नंबर यूज़ होता है। अब इस गेम से लेके एक रोचक कहानी है। आज से करीब 200 साल पहले जर्मनी के एक शहर में एक मैथ्स टीचर क्लास 3 के बच्चों के सामने एक क्वेश्चन रखता है। बोर्ड में वो 1 से लेके 100 तक सारे नंबर लिख देता है और बच्चों को बोलता है कि आप इन नंबरों को, जितने भी नंबर दिख रहे हैं आपको, इन नंबरों को ऐड करो। तो बच्चे उसमें जुड़ जाते हैं ऐड करने के लिए। कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे ऐड करें, इतने सारे नंबर, 1 है 2 है 3 है, सारे नंबर को ऐड करना है 100 तक। मगर सारे बच्चे इसमें थोड़ा लगे हुए थे। उस समय टीचर ने नोटिस किया कि एक बच्चा पीछे बैठा है जो कि चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो टीचर उसके पास गए, टीचर ने पूछा, बच्चा आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? उसने बोला, सर मेरा लगता है मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। कैसे? कि मुझे एक पैटर्न दिखा है इसमें। वो कैसा पैटर्न है? उसने बोला, मुझे इन नंबरों में एक पैटर्न दिखा है। तो टीचर ने पूछा, कैसे पैटर्न दिखा तुम्हें? उसने बोला कि मुझे लगता है इसका टोटल होगा 50 50। टीचर बोला, ठीक है, तुम्हें अगर लगता है 50 50 होगा तो तुम समझाओ कैसे होगा। उसने कहा कि सर मुझे एक पैटर्न दिख रहा है कि फर्स्ट नंबर और जो लास्ट नंबर है, जो कि 1 और 100 है, अगर हम इसको ऐड करें तो हमें मिलता है 101। उस बच्चे की उम्र महज 7 साल थी जब ये प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा था। मैं उसका नाम बताता हूँ, थोड़ी देर में उसका नाम बताऊँगा आप लोगों को। तो उसने बोला कि सर अब हम अगर सेकंड लास्ट नंबर को ऐड करते हैं जो कि 2 और 99 है, तो भी 101 होगा। इस तरीके से अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको 101 मिलता जाएगा। आखिरी जो नंबर मिलेगा वो है 50 और 51। इस तरीके से हम अगर पेयर बनाते रहेंगे तो हमको 101 मिलता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे 100 नंबर्स हैं, 1 से लेकर 100 नंबर है, इसका मतलब 100 नंबर्स हैं। तो 100 नंबर्स में से हम अगर पेयर बनाएंगे, पेयर में एक एक पेयर में दो दो नंबर होते हैं, इसका मतलब हमें 50 पेयर मिलेगा। अब 50 पेयर में आपको 50 पेयर मिला और हर एक पेयर का वैल्यू है 101। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 1 से लेके 100 तक का टोटल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस जितना भी नंबर दिखता है यहाँ पे 100 तक, सबका टोटल होगा 50 50। वो बच्चे बाद में जाके बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बनता है। इसका नाम है CARL, कर्ल। फ्रेडरिक गॉस। उसने एक ऐसा नंबर, ऐसा पैटर्न ढूंढ लिया था कि जो कि बहुत ही कारगर था और नंबर थ्योरी में उसका बहुत बड़ा योगदान है। इससे इंस्पायर्ड होके एक ईरानियन लेडी, एक बच्ची, ईरानियन बच्ची, इस कहानी से उसे इतना इंस्पिरेशन मिला कि वो बनना तो चाहती थी बचपन से कि वो उसे नॉवेलिस्ट, लेखक बनना है, साहित्यकार बनना है, मगर उसका मोड बदल गया इसी इंसिडेंट को देख के, इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करके। उस लेडी का नाम है मरियम मिर्जा खानी। उसने अपने इंटरव्यू में बताया है, वो भी बाद में जाके बहुत बड़ी मैथमेटिशियन बनी। उनको अगर कहा जाए कि मैथ्स में तो नोबेल मिलता नहीं है, मगर जिस प्राइस को मैथ्स में नोबेल कहा जाता है, ये पहली वुमेन है जिनको ये मिला था। ये एक ईरानियन वुमेन है। उसने अपने इंटरव्यू में बताया है, उसने लिखा है, माई फर्स्ट मेमोरी ऑफ मैथमेटिक्स इज प्रोबेबली द दैट टाइम दैट ही टोल्ड मी, ही मतलब इसका ब्रदर, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ एडिंग
नंबर फ्रॉम 1 to 100। तो उसको ये स्टोरी इतना इंस्पायरिंग लगा था कि उसको, और उसने जब जब ये पैटर्न देखा तो उसको मैथ्स के प्रति बहुत ही इंटरेस्ट ग्रो हो गया। और इसके बाद उसको, उसका एक खासियत था, मरियम मिर्ज़ा खानी का एक खासियत था कि वो जब मैथ सॉल्व करती थी तो उसके लिए एक डायग्राम बनाती थी, एक पिक्चर बनाती थी, वो खुद ब खुद एक डॉडलिंग डूडल करती थी। उसकी बच्ची, उसकी बेटी कहती थी कि मम्मी, जब मम्मी का जब कॉपी देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि मम्मी आर्टिस्ट हैं, मैथमेटिशियन नहीं है, वो एक आर्टिस्ट हैं। तो वो हर प्रॉब्लम को एक पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहती थी। आप लोग इसको सर्च कर सकते हो। तो क्या है ये पैटर्न, क्या है इतना स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न, इसको अगर समझना है तो हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। मान लो एक कैलेंडर, कैलेंडर में भी वही नंबर होते हैं, मगर इसमें नंबर थोड़े कम होते हैं, मगर नंबर वही सीरियली होते हैं, 1 से लेके 31 या 1 से लेके 30 या 1 से लेके 29 तक नंबर होते हैं। तो हम सिंपलेस्ट केस लेते हैं, मान लो कि हमको इन नंबरों का टोटल चाहिए। हमने एक बॉक्स स्क्वायर लिया और उसका टोटल चाहिए हमें, मतलब हमारा प्रॉब्लम है 1 + 2 + 8 + 9 कितना होता है। तो अगर उसके अंदाज में देखें, गॉस के अंदाज में देखें, तो उसका जो था कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करूं, कितना हो गया 10। यहाँ पे दो ही पेयर बनेंगे 2 + 8, वो भी 10 होगा। तो उसका कहना था कि ऐसे जितने भी पेयर बनेंगे सबका वैल्यू सेम होगा। तो हम अगर देखें तो एक पेयर का वैल्यू 10 है, ऐसे दो पेयर बनेंगे तो इसका टोटल होगा 20, जो कि इस केस में हमें बहुत सिंपली समझ में आ जाता है। अब अगर इसको बढ़ाएं थोड़ा, इस नंबर को अगर हम और आगे बढ़ाएं, मान लो हम इतने सारे नंबर को ऐड करना चाहते हैं, 12 से लेके 23 जो कि कैलेंडर में दिख रहा है, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 एंड 23। तो गॉस के हिसाब से फिर वही करेंगे, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर इसको ऐड करने से मिलेगा 35। यहाँ पे टोटल 10 नंबर्स हैं, तो अगर पेयर बनाएंगे तो हमको 5 पेयर ऐसे मिलेंगे। तो इस सारे नंबरों का टोटल हो जाएगा 175। आप इसको चेक करके देख सकते हो। अब ये हम जो रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं वो हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस इसी में ड्रॉ करना है, आप कहीं पे भी ये ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मान लो हम एक और इससे बड़ा रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, फाइव से लेके 30 तक ये जो नंबर दिख रहे हैं, हमको इसका टोटल चाहिए। प्रोसेस वही सेम है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर 5 + 30 जो कि होता है 35। अब यहाँ पे नंबर देखो कितने हैं, हर एक रो में 5 नंबर हैं, 4 रो हैं, इसका मतलब यहाँ पे 20 नंबर हैं। तो 20 नंबर से अगर हम पेयर बनाएंगे तो हमको 10 पेयर मिलेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 350 होगा इन नंबरों के। ये 20 नंबर जो दिख रहे हैं, इन नंबरों का टोटल होगा 350। अब हम एक नेक्स्ट केस लेते हैं कि मान लो ये जो नंबर हैं, ये जो बॉक्स हैं, हमने इसको स्क्वायर के शेप में ले लिया, ऑड नंबर लिया। अभी इतने देर तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो टोटल नंबर उसमें इवन नंबर थे। अब ऑड नंबर लेते हैं, मान लो ये वाला बॉक्स लिया, इसमें कितने नंबर हो गए, 9 नंबर। तो ये ऑड नंबर हो गया क्योंकि हम अगर पेयर बनाएंगे इसको तो 9 नंबर का पेयर बनाते हुए हमें 8 नंबर तक तो पेयर हो जाएगा, मगर एक नंबर ऐसा रह जाएगा जिसका पेयर नहीं बनेगा। अगर नोटिस करेंगे यहाँ पे तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का टोटल होता है यहाँ पे 32। सिमिलरली इन दोनों नंबरों का टोटल होगा 32, इन दोनों नंबरों का टोटल होगा 32 और इन दोनों नंबरों का टोटल होगा 32। तो हमें 32 के 4 पेयर मिलेंगे और एक नंबर रहेगा 16 जो अलग से। तो मेरे हिसाब से अगर हम ऑड नंबर का केसेस लेके टोटल निकाल रहे हैं तो सबसे इजी होता है मिडिल वाले नंबर को जितने नंबर हैं उनमें से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 9 नंबर हैं तो 99 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका टोटल मिल जाएगा।
जो कि 144 होगा, करके देख लीजिएगा आप लोग, तो आप लोगों को ये सही पता चल जाएगा सही गलत क्या है। अगर इस केस को थोड़ा चेंज करते हैं, ये नंबर हम दूसरे कहीं पे लेते हैं तो क्या होगा? मान लीजिए कि हम इस नंबर भी बढ़ा दिए, 5 5 बाई 3 ऐसे रेक्टेंगल में लिए हमने, तो 3 5 5 5 15 टोटल 15 नंबर हैं जो कि ऑड नंबर हैं। अब अगर हम इसका मिडिल नंबर देखें तो इन नंबरों में जो मिडिल में आता है वो है 8, तो 15 नंबर हैं और मिडिल वाले नंबर हैं 18। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो जो मिलेगा वो होगा इसका टोटल, हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमें मिला 270। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर दिख रहे हैं सबका टोटल होगा 270। सिमिलरली हम अगर इस स्क्वायर को और बढ़ा दें, स्क्वायर तो नहीं रेक्टेंगल है मगर ऑड नंबर वाला है, हम अगर इसको पूरा कर दें यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी नंबर हमको दिख रहे हैं, हमें इन सभी का टोटल चाहिए। तो हमको पता है यहाँ पे 777 मतलब 21 नंबर हैं, और इसका मिडिल नंबर कौन सा होगा? अगर आप ध्यान से देखोगे इसके मिडिल में एक ही नंबर आ रहा है जो है 17। अब हमें क्या करना है, 21 को 17 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 357। आप अगर मैनुअली कोई इसे टोटल करेगा तो भी सेम आएगा। तो शायद ये ट्रिक मैं समझा पाया कि ऑड नंबर है तो मिडिल वाले नंबर को ढूंढो और जितने नंबर है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, अगर इवन नंबर है तो पेयर बनाओ और जितना नंबर है उनके हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक लास्ट केस लेते हैं कि हमें सारे नंबर का टोटल चाहिए, यहाँ पे 1 से लेके 29 नंबर का टोटल चाहिए, जितने भी नंबर हैं, फ्रॉम 1 2 3 जितने भी नंबर हैं सबका टोटल चाहिए 29 तक। तो यहाँ पे 29 नंबर है जो कि ऑड नंबर है, तो आप बता सकते हैं कि 1 से लेके 29 के मिडिल में जो नंबर आएगा वो है 15। तो 15 को जितने नंबर है उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने नंबर हैं 29 नंबर हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 435। इसका मतलब फरवरी मंथ में जितने भी नंबर दिख रहे हैं सबका टोटल होगा 435। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।